हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे हमारी पोएम व्हिच इज गिवन इन चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के एंड में। पोएम का टाइटल है अमांडा और इस पोएम की मेन कैरेक्टर का भी नेम अमांडा है। सो अमांडा एक बहुत यंग गर्ल है जिनके ड्रीम्स और फैंसीज हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, विच इज फ्रीडम। सो लाइक ऑल द टीनएजर्स, अमांडा चाहती है कि वो फ्री रहें, उनको फ्रीडम मिले, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि उनके पेरेंट्स उनकी फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम को रोक रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऑप्रेशन फील होता है, और जैसे कि हर एक टीनेजर को लगता है और हर एक टीनेजर की इमेजिनेटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो अमांडा की इमेजिनेटिव पावर भी बहुत स्ट्रांग है। और वो अलग अलग टाइम्स पे, अलग अलग टाइम स्पैन्स पे, हर एक स्टेटमेंट के बाद कुछ ना कुछ नई सिचुएशन इमेजिन करती है जिसमें वो फ्री हो। इस पोयम में दो कंप्लीट वर्ल्ड्स दी गई हैं, कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स दी गई हैं। एक वो वर्ल्ड जो अमांडा हमेशा इमेजिन करती है, और एक वो वर्ल्ड जो रियल लाइफ में प्रेजेंट है, जो रियल है, और जिसमें उनकी मदर उनको कुछ ना कुछ करने के लिए कह रही होती है या उनको कुछ ना कुछ करने के लिए मना कर रही होती है। दो इस पोयम में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जो एल्डर उन्हें बार बार चीजें करने से रोक रही हैं वो उनकी मदर है, लेकिन हम ऐसा प्रिज्यूम करते हैं कि जो एल्डर इसमें मेंशन्ड हैं वो उनकी मदर हैं, क्योंकि जैसे सेंटेंसेस इस पोयम में मेंशन्ड हैं वो यूजुअली हमारी मदर्स हमारे साथ यूज करते हैं। जैसे हमें बताना कि हम कैसे बैठे हैं, कैसे नहीं बैठे हैं, हमें बताना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे सोशल बिहेवियर को यूजुअली करेक्ट करने वाली हमारी एक इकलौती मेंटर होती है जो कि हमारी मदर होती है। तो यहाँ हमारे इस पोयम में भी अमांडा को करेक्ट करने वाली एक एल्डर दिखाई है जिनको हम प्रज्यूम करते हैं कि वो उनकी मदर है। इस पोएम को लिखा है रॉबिन क्लेन ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, और वो बच्चों के बारे में अलग अलग बुक्स लिखने के लिए बहुत पॉपुलर है। सो वो यूजुअली जो भी बुक्स लिखती है वो बच्चों के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस पोएम का सेंट्रल थीम है अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। इसमें दिखाया गया है कैसे ड्यूरिंग अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, जैसे जब बच्चों को बड़ा किया जाता है तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन अलग अलग सिचुएशंस में फंस जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बोथ डू नॉट लाई ऑन द सेम पेज। दोनों के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, पेरेंट्स कुछ चाहते हैं और बच्चे कुछ और। इसकी थीम भी कुछ इसी तरह की है। अमांडा जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत परेशान है और वो चाहती क्या है कि वो फ्रीडम की लाइफ जिए, वो अलग अलग चीजें इमेजिन करती है, उसकी इमेजिनेटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग है एज आई टोल्ड यू, और उसकी फीलिंग्स दिखाई हैं, उसकी फीलिंग्स की एनालिसिस दिखाई है कि कैसे वो अपनी मदर की बताई हर एक चीज के ऑपोजिट कुछ ना कुछ फील करती है और ऑपोजिट कुछ ना कुछ इमेजिन करती है। सो यहाँ पर दो वर्ल्ड्स मेंशन है, एक रियल वर्ल्ड जिसमें उसकी मदर, अमांडा की मदर, अमांडा कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, जैसे कि स्टैंजा नंबर 1 में यहाँ देखते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यहाँ अमांडा की मदर उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, डोंट बाइट योर नेल्स। सो यूजुअली देखते हैं हम बच्चों को आदत होती है अपनी नेल्स बाइट करने की, और कई बार वो आदत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो पब्लिकली भी ये सेम चीजें करने लगते हैं। तो मदर्स यूजुअली ट्राई करती हैं कि घर पे ही उस चीज को कर्टेल कर दिया जाए, उस चीज को बंद कर दिया जाए, ताकि वो पब्लिकली जब भी बच्चा जाए तो किसी भी फॉर्मल प्लेस पे कोई भी ऐसा एक्शन ना करे जो थोड़ा खराब हो, जो बहुत ज्यादा फॉर्मल ना दिखे और थोड़ा इमेज को डाउन कर दे। सो यहाँ पे उनकी मदर जो भी चीज सिखाती है कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उनका वे ऑफ स्पीकिंग एट द एंड ऑफ द पोएम दिखाते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा गलत होता है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपनी नेल्स मत बाइट करो अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स। नाउ हियर आर सम ऑफ द वर्ड्स जो हमारे घर में भी यूजुअली यूज किए जाते हैं। सो डोंट हंच योर शोल्डर्स मतलब होता है हंच मतलब झुकाना। सो डू नॉट बेंड योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग अमांडा, सिट अप स्ट्रेट। सो स्टॉप स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग इज एक्चुअली सिटिंग विद बेंड बैक। जब भी हम बहुत लेजर पोजिशन में, बहुत आराम वाली पोजिशन में बैठते हैं तो हमारी बैक बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है, तो उसको कहते हैं हम स्लाउचिंग। तो उसकी मदर आके अमांडा को कुछ कुछ बताती है कि अमांडा अपनी नेल्स बाइट मत करो,
फिर वो बोलती हैं कि अपनी शोल्डर्स को हंच मत करो, नीचे मत झुकाओ, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, अजीब तरह से मत पेट बैठो, स्ट्रेट बैठो. सो फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी मदर का क्या, उसके कुछ स्टेटमेंट्स दिखाए गए हैं उसकी मदर के, कि वो क्या क्या इंस्ट्रक्ट करती हैं अमांडा को करने के लिए और क्या क्या मना करती हैं कि क्या नहीं करना चाहिए अमांडा को. जैसे उन्हें स्ट्रेट बैठना चाहिए, उन्हें स्लाउच नहीं करना चाहिए, उन्हें हंच नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें नेल्स वाइट करना चाहिए. सो दिस इज समथिंग जो हमारी मदर्स भी यूजुअली बोलती रहती हैं. अब यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में आप देखेंगे, ये सेकेंड पैराग्राफ नॉर्मली मैंशनड नहीं है, सेकेंड पैराग्राफ पेरेंथेसिस के अंदर मैंशनड है. व्हाट आर पेरेंथेसिस? जब भी कोई चीज हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं पोएम्स में तो उन्हें कहते हैं पेरेंथेसिस. ये पेरेंथेसिस हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि उस पैराग्राफ को रियल लाइफ से कुछ डिफरेंट दिखा सकें. या तो हम किसी और प्लेस पे उस पैराग्राफ को मेंशन कर रहे होते हैं, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने अगर गार्डन में किसी चीज को मेंशन किया है, तो सेकेंड पैराग्राफ में अगर हमें उसे कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मेंशन करना है तो हम पैराथेसिस का यूज करते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ एक रियालिटी रियल लाइफ पैराग्राफ था जिसमें उनकी मदर एक्चुअली में अमांडा को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रही थी. अब ये सेकेंड पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ और आगे आपको दिखेंगे जो पैराथेसिस मेंशन है, मतलब जो ब्रैकेट्स में मेंशन है, वो इमेजिनेटिव पावर्स ऑफ अमांडा दिखाते हैं, इमेजरी ड्रॉ करते हैं हमारे ब्रेन में भी कि अमांडा क्या सोच रहे हैं. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So यहाँ पर अमांडा इमेजिन करती है कि there is a languid emerald sea. Languid मतलब बहुत पीसफुल, बहुत शांत. सो एक लैंग्विड एमरल्ड सी, मतलब एमरल्ड इज एक्चुअली अ स्टोन. सो एक बहुत आराम की जगह है एमरल्ड सी. एमरल्ड इज ग्रीन इन कलर, सो एमरल्ड के कलर की सी है. बहुत शांत जगह है जहाँ का सोल, मतलब एक लौती इनहैबिटेंट, रहने वाली, जहाँ की एक लौती इनहैबिटेंट मैं हूँ, अमांडा ये सोच रही है, अ मर्मेड. सो मर्मेड इज इमेजिनेटिव कैरेक्टर, ये आप जानते होंगे, जिनका अपर बॉडी, ट्रंक जो होता है बॉडी का, दैट इज ऑफ अ ह्यूमन बींग, वेयर एज जो नीचे का बॉडी होता है, लोअर बॉडी होता है, वो फिश का बॉडी होता है. सो दैट इज एन इमेजिनेटिव कैरेक्टर. सो अमांडा अपने आप को एक मर्मेड की तरह इमेजिन कर रही हैं, जो कि एक ऐसी जगह पर है जो कि एमरल्ड सी के पास में है, और वहाँ उस जगह पर सोल इनहैबिटेंट अमांडा ही है और कोई नहीं रहता वहाँ पर. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मतलब शांति से, सुकून के साथ, खुशी के साथ. ड्रिफ्टिंग मतलब बहुत स्लोली स्लोली लहरों के साथ. ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली. सो हैप्पीली मैं ड्रिफ्ट कर रही हूँ उस सी में. सो ये इमेजिन कर रही है अमांडा. सेकेंड पैराग्राफ में अगेन ऐसा टोल रही हो, अमांडा की इमेजिनेशन दिखाई गई है. थर्ड पैराग्राफ बैक टू रियालिटी, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस मैंशन नहीं है. तो यहाँ पर उनकी मदर बोलती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. सो यहाँ पर लाइक नॉर्मल मदर्स, अमांडा की मदर लगातार उनको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं और लगातार उनको क्वेश्चन कर रही हैं. वो फर्स्ट क्वेश्चन उससे पूछती हैं कि क्या तुमने अपने होमवर्क फिनिश किया अमांडा? सेकेंड, लगातार विदाउट एनी रिस्पॉन्स का वेट करे, वो उससे पूछती हैं, डिड यू टाइड योर रूम? क्या तुमने अपने रूम क्लीन किया अमांडा? फिर विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी पॉज, की मदर फिर एक क्वेश्चन पूछती हैं, विच इज, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. मैंने तुम्हें बोला था अपने शूज क्लीन करने के लिए, तो क्या तुमने वो किया? अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखोगे अमांडा इतनी स्विफ्ट है, इतनी इतनी क्विकली वो हर चीज सोच लेती है, इतनी क्विकली वो ये चीजें इमेजिन कर लेती है कि जितनी भी चीज उसकी मदर ने बोली वो जस्ट ऑपोजिट सोच रही है. सी अगेन इन द पैरेंथेसिस इट इज मेंशनड, दिस मींस दिस इज द इमेजिनेटिव वर्ल्ड ऑफ अमांडा. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट. मैं एक ऑर्फन हूँ, ऑर्फन जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जिसकी टेक केयर करने के लिए कोई नहीं होता. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट. मैं घूम रही हूँ, टहल रही हूँ, ऐसे ही टहल रही हूँ इन द स्ट्रीट. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. यहाँ पर पिछले पैराग्राफ में उसकी मदर बात कर रही थी, तो उसने उसका जस्ट ऑपोजिट सोचा है कि मैं एक ऑर्फन हूँ,
मेरी केयर करने के लिए कोई नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ नसीहतें देने के लिए कोई नहीं है। रोमिंग इन द स्ट्रीट, सी रोमिंग इन द स्ट्रीट, आप कब घूमने निकलते हैं? जब थोड़ा बहुत आप फ्री होते हैं तभी आप घूमने निकलते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो यूजुअली आप काम में बिजी रहते हैं, आप घूमने नहीं निकलते। सो रोमिंग इन द स्ट्रीट, खाली घूमना तभी हो पाता है जब हमारे पास काम कम होता है। सो रोमिंग इन द स्ट्रीट, अमांडा सोचती है मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे ऊपर नजर रखने के लिए कोई नहीं है और मैं घूम रही हूँ स्ट्रीट पर। तो यहाँ पर उसकी मदर अलग अलग काम करने के लिए बोल रही थी, यहाँ पे उसने जस्ट ऑपोजिट सोचा कि मैं बहुत फ्री हूँ और मैं घूम रही हूँ स्ट्रीट पर। उन्होंने बोला था कि आपको अपना रूम क्लीन करना चाहिए, उसने जस्ट ऑपोजिट सोचा कि मैं स्ट्रीट पर हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट। पिछले पैराग्राफ में उसकी मदर बात कर रही थी क्लीनिंग द शूज, सो क्लेनलीनेस के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पर अमांडा जस्ट ऑपोजिट सोचती है अबाउट डस्ट, अबाउट डर्ट। वहां पर वो शूज के बारे में बात कर रही थी, तो यहाँ पर अमांडा जस्ट ऑपोजिट सोचती है अबाउट बेयर फीट, मतलब नंगे पांव चलना। सो आई पैटर्न, पैटर्न मतलब ड्रॉइंग सम पैटर्न्स, सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड, हश्ड मतलब साइलेंट। वहां मम्मा बोल रही थी उसकी, यहाँ पर वो साइलेंस की इच्छा करती है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट। यहाँ वो सोचती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ जो कि स्ट्रीट्स पे घूम रही हूँ और मैं अपने पैरों से अलग अलग पैटर्न बना रही हूँ और मैंने अपने पैरों में शूज नहीं पहने। द साइलेंस इज गोल्डन, अब यहाँ पे वो थोड़ा सा कंपेरिजन ड्रॉ करती है कि साइलेंस बहुत गोल्डन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है, ऐसे ही साइलेंस बहुत गोल्डन है और फ्रीडम इज स्वीट। और क्योंकि वो हमेशा फ्रीडम चाहती है तो फ्रीडम इज स्वीट। फिफ्थ पैराग्राफ में अगेन उसकी मदर को दिखाया है कि वो मदर इंस्ट्रक्ट करती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट्स मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। सो उसकी मदर बोलती है स्टॉप ईटिंग दैट चॉकलेट अमांडा, वो इंस्ट्रक्ट करती है, तुरंत ऑर्डर करती है कि अमांडा चॉकलेट्स मत खाओ। दो वो साथ में रीजन भी देती है, रिमेंबर योर एक्ने, वो अमांडा को याद दिलाती है कि वेन एवर यू ईट चॉकलेट यू यूजली गेट एक्ने, पिम्पल्स हो जाते हैं तुम्हें, सो स्टॉप ईटिंग दैट चॉकलेट। नेक्स्ट चीज वो जो बोलती है, वो कहती है विल यू प्लीज लुक एट मी अमांडा वेन आई एम स्पीकिंग टू यू। यूजली जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो वो चाहते हैं द लीस्ट थिंग दे एक्सपेक्ट यू टू इज लुकिंग एट देम एंड रिस्पॉन्डिंग इन अ वेरी नाइस मैनर। तो वहां पर अमांडा क्योंकि अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई है, तो वो अमांडा शांति से बैठी हुई है, नेल्स वाइट कर रही है, स्लाउच होके बैठी हुई है, हंच होके बैठी हुई है, उसने अपने शोल्डर्स को हंच कर रखा है और वो इमेजिन कर रही है चीजें अभी भी। तो उसकी मदर बोलती है कि जब भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम एक एक सिंपल सी चीज कर सकती हो, विल यू प्लीज लुक एट मी, दिस इज द लीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। सो वो अपनी एक्सपेक्टेशन बताती है कि वो अमांडा को क्या चाहती है कि वो क्या करे। वो तुरंत कहती है कि द लीस्ट थिंग यू कैन डू इज लुकिंग एट मी व्हेन एवर आई एम स्पीकिंग टू यू। तो यहाँ पर दिखा दिया गया कि वो ऑर्डर्स दे चुकी हैं, उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं और अब उन्होंने लास्ट में एक रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन बताई है विच इज लुकिंग एट हर व्हेन एवर शी इज टॉकिंग टू अमांडा। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगेन पैरेंथेसिस है, दैट मीन्स ये अमांडा की इमेजिनेटिव वर्ल्ड है। अब वो सोचती है नाउ सी द एनोमली ऑफ दिस इज द कंप्लीट पैराग्राफ इज, जो पहला पैराग्राफ होगा उसका जस्ट ऑपोजिट सेकेंड पैराग्राफ होगा। सो जो इमेजिनेटिव पावर ऑफ अमांडा दिखाई है वो इतनी स्ट्रांग दिखाई है कि वो तुरंत उसका जस्ट ऑपोजिट सोच लेती है जो भी उसके अराउंड हो रहा होता है, जो भी उसकी मदर उसको बोल रही होती है। आई एम रपंसल, I'm Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अगर आपने सुनी होगी तो Rapunzel actually एक German character है, जो fairy tale, एक Rapunzel की एक fairy tale है जो German fairy tale है, और Rapunzel की hair extraordinarily long है। So I am Rapunzel, अब Amanda imagine करती है कि मैं Rapunzel हूँ, I have not a care. मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे किसी की चिंता नहीं। लाइफ इज इन अ टावर, लाइफ इन अ टावर
इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब बहुत पीसफुल, एंड रेयर, रेयर मतलब बहुत यूनिक। सो ये जो मदर वाली स्टेटमेंट्स दिखाई हैं, ये बहुत कॉमन है। हर किसी की मदर अपने बच्चे को चीज़ें बताती रहती हैं, बोलती रहती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसका जस्ट ऑपोजिट अमांडा ने सोचा है कि वो टावर में कैप्चर्ड है, जहाँ पर वो किसी की परवाह नहीं करती, किसी की तरफ उन्हें देखना नहीं पड़ेगा जब वो बात कर रहा होगा कोई। और वो टावर में, जिस टावर में कैप्चर्ड है, वो बहुत शांत है और बहुत रेयर है, बहुत यूनिक चीज़ है। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई राइट हेयर। तो अगर आपने स्टोरी देखी होगी, अगर कहीं स्टोरी सुनी होगी, तो उसमें आपको पता होगा कि रपंजल को एक टावर में कैद कर लिया जाता है बाय अ विच। और जब भी विच को ऊपर आना होता है, उस टावर के अंदर आना होता है, कोई और रास्ता नहीं होता, विच हमेशा रपंजल को बोलती है, वो अपने हेयर डाउन करती है रपंजल, और उस हेयर के सहारे विच ऊपर आती है। तो अमांडा बहुत सिंपल सी चीज जानती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। रपंजल के पास सारी फ्रीडम है, बस एक चीज जो वो खराब करती है, उसके ब्रेन में एक चीज है कि रपंजल की स्टोरी में एक ही चीज खराब है, विच इज दैट विच। तो मैं विच को ऊपर आने के लिए, आई विल नेवर लेट डाउन माय हेयर, मैं उसको अपने हेयर का सहारा दूंगी ही नहीं, सो दैट विच वोंट बी एबल टू कम अप। और जिसकी वजह से दैट टावर वुड बी वेरी पीसफुल, और मुझे वहां पर किसी को भी कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। सेवेंथ पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ है, और इसमें अगेन उसकी मदर दिखाई गई है, जो बोलती है, स्टॉप सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब इस पैराग्राफ में थोड़ा अ टिंच ऑफ नेगेटिविटी दिखाई है कि इसमें उसकी मदर ये नहीं देखती कि अमांडा को कैसा फील हो रहा है, बट स्टिल वो उसको लगातार चीजें बता रही होती हैं, और बताते ही बताते एट द एंड वो बोलती हैं, स्टॉप सल्किंग एट वंस अमांडा। कई बार आप कई चीजों को लेके शांत हो जाते हो, अगर आप किसी गिल्ट में हो तो आप शांत हो जाते हो, आप सल्क करने लगते हो, मैंने ऐसा क्यों किया, या व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी। सो व्हेन एवर यू आर इन अ डीप थॉट, तो आप बहुत शांत हो जाते हो, बहुत पीसफुल हो जाते हो, लेकिन आप दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते हो। तो वो उसी चीज के लिए कहती हैं, स्टॉप सल्किंग एट एट वंस अमांडा, सल्क मत करो, ऐसे एक ही चीज के बारे में सोचती मत रहो, एंड फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा बहुत मूड में रहती हो, अलग अलग मूड्स में रहती हो, एंड यूजुअली यू आर वेरी अपसेट। सो अमांडा की मदर ये नहीं देखती कि, ये एनालाइज नहीं करती कि उस अमांडा बहुत सेल्फ डाउट में हो सकती है, या मे बी शी इज अपसेट अबाउट समथिंग, बट वो तुरंत ऑर्डर करती है कि उसे सल्क नहीं करना चाहिए, उसको इतना मूडी नहीं होना चाहिए, रादर देन आस्किंग अमांडा कि एक्चुअली में उसकी सिचुएशन है क्या। सो वो तुरंत कहती है कि स्टॉप सल्किंग एंड डू नॉट बी सो मूडी, और वो कहने का भी एक ही रीजन है उनका। अब वो रीजन क्या देती है, एनी वन वुड थिंक, जब तुम सल्क करोगी या मूड में ऐसे खराब मूड में रहोगी, तो कोई बाहर वाला अगर तुम्हें देखेगा, दे वुड थिंक आई नैग्ड एट यू। नैग्ड मतलब मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मैंने तुम्हें बहुत डांटा है, चिल्लाया है तुम्हारे ऊपर। सो एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। मदर इज नॉट कंसर्न्ड, इस लास्ट पैराग्राफ में टिंच ऑफ नेगेटिविटी एज आई टोल्ड यू इज शोन, बिकॉज यूजुअली मदर्स आर वेरी कंसर्न अबाउट योर मूड। अगर आप जरा सा परेशान हो जाते हैं तो आपकी मदर आके पूछते हैं, वॉट हैपन टू यू, आप परेशान क्यों। बट यहाँ पे अमांडा की मदर की सिचुएशन कुछ डिफरेंट दिखाई है, और वो तुरंत कहती है कि तुम्हें सल्क नहीं करना चाहिए। द रीजन मदर टेल्स इज कि तुम्हें बाहर वाले जब कोई देखेंगे तो वो सोचेंगे कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। सो शी इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर इमेज इन द सोसाइटी। तो एज आई टोल्ड यू, जितनी भी बातें इस पोएम में मदर के थ्रू बताई गई हैं आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट एक पिंच ऑफ नेगेटिविटी, एक पिंच ऑफ सेल्फिशनेस जो इसमें दिखाई गई है, वो लास्ट पैराग्राफ में दिखाई गई है, जिसमें वो बोलती है शी इज वेरी सेल्फ कंसर्न्ड, और वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस है अपनी इमेज को लेकर, और वो बोलती है कि अगर तुम ऐसे सेल्फ करोगी तो सब लोग सोचेंगे कि मैंने तुम्हें डांटा है। नाउ हियर वी कम टू द एंड ऑफ द कंप्लीट पोयम, और अब हम करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जरूरी होती हैं, और उन्हें करे बिना पोएम कंप्लीट नहीं मानी जाती। द फर्स्ट थिंग बीइंग राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम हमने यूजुअली घर से बहुत बचपन से पढ़ी हुई है,
और हम राइम करते रहते हैं हमेशा वर्ड्स को, जैसे मैट बैट कैट सैट। तो ऐसे ही इसी अपने बचपन की नॉलेज को आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना है, और आपको इस पोएम की राइमिंग स्कीम देखनी है। तो उसको देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लास्ट वर्ड्स देखने हैं हर स्टेटमेंट के। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, नेक्स्ट स्टेटमेंट अगेन अमांडा। सो दीज, सिंस दे आर सेम वर्ड्स, ये सेम राइम करते हैं, तो एक ही लेटर से हम इसे डिनोट करेंगे, विच इज ए ए। नेक्स्ट लाइन में स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो स्ट्रेट पे ये खत्म होता है, लेकिन स्ट्रेट किसी भी वर्ड से राइम नहीं कर रहा, तो हम इसे नया लेटर देंगे विच इज बी। नाउ अमांडा अगेन इन द नेक्स्ट लाइन रिप्रेजेंट्स पहली दो लाइन्स का राइमिंग स्कीम विच इज ए। तो ये हो गया ए ए बी ए। नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि इमेजिनेटिव पावर है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड ऑफ अमांडा है, जो पैरेंथेसिस में मेंशन है, उसमें लास्ट वर्ड्स है सी मी एंड ब्लिसफुली, लास्ट में ई की साउंड आ रही है। सिंस दे आर ऑल राइमिंग, तो उनको हम एक ही लेटर से डिनोट करेंगे विच इज सी सी सी। सो एक पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम होगी ए ए बी ए, और जितने भी पैरेंथेसिस में मेंशन है उन सब की राइमिंग स्कीम एक ही होगी विच इज सी सी सी। थ्री लाइन्स हैं तो सी 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 ट्रिपल सी। कमिंग टू येट अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पोएम विच इज राइमिंग स्कीम। कोई भी पोएम इनकम्प्लीट रहती है विदाउट राइमिंग स्कीम। अगर राइमिंग स्की आई मीन पोएटिक डिवाइसेस एंड राइमिंग स्कीम्स नहीं है, यूजुअली फ्री वर्ड्स में भी पोएम लिखी जाती हैं, लेकिन अगर पोएटिक डिवाइसेस नहीं है वो पोएम नहीं है। सो पोएटिक डिवाइसेस, इसमें भी कई सारे पोएटिक डिवाइसेस मेंशन हैं, जैसे कि पहला पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन। रेपिटेशन बहुत ईजी होता है, रेपिटेशन मीन्स किसी भी एक वर्ड का रिपीट होना। तो यहाँ पर अमांडा वर्ड का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत बार अमांडा वर्ड को रिपीट किया गया है। डोंट वर्ड का रिपीटेशन बहुत है, तो वो भी बहुत बार रिपीट हुआ है। सो हेंस रिपीटेशन इज द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द पोएम। सेकेंड इज एल्यूशन। अब एल्यूशन किसे कहते हैं? जब भी हम किसी पोयम में किसी भी एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को कोट करते हैं, जैसे ये पोयम थी अबाउट मदर एंड अमांडा, लेकिन हमने एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या एक्सटर्नल कैरेक्टर किसको लाया? हमने रापंजल को इसमें इंक्लूड कर दिया, हमने मर्मेड को इसमें इंक्लूड कर दिया, जो कि इसका पार्ट ही नहीं थे। वो एक सिंगल सेंटेंस या सिंगल सिचुएशन या सिंगल एक वर्ड में फिनिश हो गया, विच इज मर्मेड के बारे में उन्होंने बोला मैं मर्मेड हूँ, फिनिश। रापंजल के बारे में बोला कि रापंजल, मैं रापंजल हूँ, आई एम स्टक इन अ टावर, और मैं हेयर नीचे नहीं करती। अगेन दिस पोएम वॉज नॉट अबाउट रापंजल, हेंस वी वुड से दिस इज अल्यूशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्यूशन। सो अल्यूशन क्यों है? बिकॉज रापंजल और मर्मेड के बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट्स ही इस पोएम में मैंशन है, और ये पोएम ना ही रापंजल के बारे में है और ना ही मर्मेड के बारे में। नाउ अलिटरेशन, द बेसिक पोएटिक डिवाइस। अलिटरेशन मीन्स जब भी किसी भी स्टेटमेंट में लगातार आ रहे वर्ड्स में स्टार्टिंग का लेटर एक ही हो, जैसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। सो स्टॉप स्लाउचिंग सिट स्ट्रेट, सभी एक तरफ से अगर आप नोट करना स्टार्ट करोगे तो एस 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 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन। नाउ कम्स मेटाफर। व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर हम यूजुअली जब भी चीजों को कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया साइलेंस इज गोल्डन, तो यहाँ पे गोल्ड के साथ साइलेंस को कंपेयर किया जा रहा था विदाउट यूजिंग एज लाइक, नहीं तो वो सिमिली हो जाता। तो यहाँ पे मेटाफर मत क्यों है? बिकॉज हम यहाँ पर किसी भी लाइक एज का यूज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमें पता है हम कंपेरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। सो हेंस वी कैन से दिस इज मेटाफर। एनाफोरा। एनाफोरा इज अगेन अ लिटरेरी डिवाइस, जिसमें हम कुछ सर्टेन वर्ड्स को यूज करते हैं लगातार आ रही स्टेटमेंट्स में। जैसे स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में हमने देखा था डोंट बाइट, डोंट हंच, और नेक्स्ट पैराग्राफ में अगेन हमने बहुत सारे वर्ड्स कॉमन देखे थे हर एक स्टेटमेंट में। सो डोंट डोंट डोंट, दिस रिप्रेजेंट्स एनाफोरा। अभी एक लास्ट हमारे पास पोएटिक डिवाइस बचता है विच इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पोएटिक डिवाइसेस। ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसका मतलब है हम किसी भी एक कैरेक्टर को किसी और चीज से उठाकर किसी और चीज के अंदर डालते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था हश्ड बेयर फीट। हश्ड मतलब साइलेंट, तो पैर बोल तो सकते नहीं है, साइलेंट रहना इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माउथ, राइट? सो माउथ हैज टू स्पीक एंड माउथ हैज टू बी साइलेंट।
Whereas we are transferring that entire character of being silent to the feet. That means this is transferred epithet. We are transferring some character of one part to the other part. अब एक और चीज हमें करनी है इस पोएम में, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू इम्पोर्टेंट पीपल मेंशन्ड इन द पोएम. फर्स्ट इज अमांडा. अमांडा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहली, वो रिबेलियस है बहुत ज्यादा. जब भी उसकी मदर कुछ बोलती है वो जस्ट ऑपोजिट उसका सोच लेती है. उसकी मदर ने बोला स्ट्रेट बैठो, मुझ पे फोकस करो, बट स्टिल शी इज कंसर्न अबाउट हरसेल्फ और उसकी इमेजिनेटिव वर्ल्ड के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है. उसकी मदर से ज्यादा बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव है. मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि अमांडा बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव दिखाई है एंड शी हैज अ ब्रिलियंट इमेजिनेटिव पावर, एन एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डिनरी इमेजिनेटिव पावर, जिसकी वजह से हम भी जब उसकी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में भी इमेजरी ड्रॉ हो जाती है, विच इज अगेन अ लिटरेरी डिवाइस. हम कभी भी किसी चीज को पढ़ें और उसकी इमेज हमारे दिमाग में आ जाए, दैट मीन्स इट इज इमेजरी. क्रेव्स सॉलिट्यूड, वो बहुत चाहती है कि वो सॉलिट्यूड में रहे. डिजायर्स पीस एंड फ्रीडम, जो कि इस पोएम का कंप्लीट एसेंस था. इमेजिनेटिव अगेन इट हैज बीन रिपीटेड. नेक्स्ट इज मदर. सो व्हाट इज हेयर अबाउट मदर? मदर हमेशा अनआइडेंटिफाइड रही हैं. यहाँ पर बताया गया है कि कोई कुछ बोल रहा है लेकिन कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है स्पेसिफिकली कि वो उसकी मदर है, लेकिन हम प्रज्यूम करते हैं कि वो अमांडा की मदर ही होंगी जो इतने प्यार से उसे अलग अलग चीजें सिखा रही हैं, अलग अलग चीजें बता रही हैं. सो मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो अनआइडेंटिफाइड है इस कंप्लीट पोएम में और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है. सो लास्ट तक हमें दिखता है कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है. वो अपनी इमेज कॉन्शियसनेस की वजह से अमांडा को कहती है कि वो सल्क ना करे, वो सैड फील ना करे, वो सैड फेस ना बनाए. सो दिस रिप्रेजेंट्स कि उसकी मदर बहुत कंट्रोलिंग है. अदरवाइज हमें भी हमारी मदर्स बहुत सारी चीजें बताती रहती हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रोल. दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, नर्चरिंग द किड्स. समरी, अमांडा और उसकी मदर कॉन्वर्सेशन में दिखाए हैं. इनफैक्ट मदर उसको अलग अलग चीजें बताती हुई दिखाई हैं, इंस्ट्रक्ट करती हुई दिखाई हैं, और अमांडा जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में पेरेंथेसिस में मेंशन है अमांडा की स्टेटमेंट्स, जो वो सोच रही हैं, उनकी वर्ल्ड जो वो सोच रही हैं, इमेजिन कर रही हैं, जिसमें जस्ट ऑपोजिट है जो उसकी मदर बोल रही हैं उसका. एट द एंड द कंप्लीट पोएम हैज कम टू एन एंड, और इसमें हमने सब कुछ मेंशन कर दिया, फ्रॉम द राइमिंग स्कीम टू द एक्सप्लेनेशन टू इट्स लिटरेरी डिवाइसेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. सो स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.